विद्यार्थीगण, हम अपने पिछले कक्षाओं में संधि क्या है, संध्या के भेद के बारे में भी जान चुके हैं और उन भेदों में से संधि के कुछ भेद को हम विस्तार से जान चुके हैं। तो आज हम उन्हीं भेदों में से संध्या के भेद, जिसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, के बारे में जानेंगे और समझेंगे। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर दो कहे गए हैं, ऐ और औ। औ और आ के बाद ए और ऐ स्वर आने पर दोनों के मेल से ऐ होगा, और ओ और औ आए तो औ होगा। जैसे नंबर वन, अ के साथ ए जुड़ने पर ए बनते हैं और ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे म म मम, एव मम्मेव, नए शब्द बनते हैं। नंबर टू, अ के साथ ए जुड़ने पर ए बनते हैं और ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे मत ऐच्य, दोनों जुड़ने पर नए शब्द मतैच्य बनते हैं। थ्री, आ के साथ ए जुड़ने पर भी ए ही बनते हैं और ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे सदा के साथ एव जुड़ने पर नए शब्द सदैव बनते हैं। फोर, आ के साथ ए जुड़ने पर ए बनते हैं और ए की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे महा ऐश्वर्य, दोनों जुड़ने पर महेश्वर्य बनते हैं। फाइव, आ के साथ ओ जुड़ने पर औ बनते हैं और औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे जल ओग, दोनों जुड़ने पर जलोग नए शब्द बनते हैं। सिक्स, अ के साथ औ जुड़ने पर भी औ ही बनते हैं और औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे वन के साथ औषध जुड़ने पर वनौषध नए शब्द बनते हैं। सेवन, आ के साथ ओ जुड़ने पर औ बनते हैं, औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे गंगा ओ। दोनों शब्द जुड़ने पर गंगोक नए शब्द बनते हैं। एट, आ के साथ औ जुड़ने पर औ बनते हैं, औ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे महा औसत, दोनों जुड़ने पर महौसत बनते हैं। तो इस प्रकार हम अपने पिछले कक्षाओं में भी संधि के भेदों के बारे में जान चुके हैं और उन भेदों में से और उन संधि में किस प्रकार के बदलाव आते हैं और एक शब्द से दूसरे शब्द जुड़ने पर किस प्रकार के शब्द बनते हैं, और आज हम वृद्धि संधि के बारे में भी जान चुके हैं। यहाँ एक स्वर से दूसरे स्वर के मेल होने पर किस प्रकार के बदलाव आते हैं, और ठीक उसी प्रकार एक शब्द के साथ दूसरे शब्द जुड़ने पर किस प्रकार के बदलाव आते हैं, यह जान चुके हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग
इस ओर ध्यान देंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और यह जरूरी भी है ताकि इस पाठ अर्थात संधि पाठ के समाप्त होने पर हम कुछ गृह कार्य भी देंगे और साथ ही साथ कुछ वर्कशीट भी आप लोगों को दी जाएगी और तब आप लोगों को अच्छी तरह से जो गृह कार्य और वर्कशीट अच्छी तरह से करना पड़ेगा। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से समझेंगे और ध्यान पूर्वक उसे करने की कोशिश करेंगे और सही सही कर पाएंगे। धन्यवाद।